तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वानिया टीवी में। दोस्तों, आप लोगों ने जो इंट्रो में वीडियो देखा है उसको हमने काइन मास्टर में एडिट किया है, ठीक इसी तरह आप भी कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा समझे कि कैसे आप कोई भी अपने सिंपल वीडियो को काइन मास्टर में एडिट करके उसे और बेहतर बना सकती है। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक काइन मास्टर जो कि वीडियो एडिटर है और दूसरा है एबीएस पेंट जिसके अंदर हम इमेजेस एडिट करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है इसलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे आप कोई भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर में। दोस्तों, अब हम आ गए हैं काइन मास्टर में। पहले उस वीडियो को प्ले करेंगे जिसके अंदर हमारे को एडिट करना है। हम इसलिए प्ले कर रहे हैं कि हम यहाँ से कैप्चर करेंगे उसकी इमेज को और फिर उसके ऊपर एडिट करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे क्लिक करके आप उसे कैप्चर कर लिए। अब ये इमेज आपके ड्राइव में सेव हो गई होंगी। तो आप EVS Paint में जाएंगे डायरेक्ट। आपको आइडिया है कैसे एडिट करना इसके अंदर। इसका साइज ले लेना अपने वीडियो के हिसाब से 1920x1080, ठीक है, ओके। सबसे पहले जो हमने कैप्चर किए थे उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट में आ गई है। अब हम दूसरी इमेजेस लेंगे जिसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे, मींस एडिट करेंगे, जैसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे को ऐड करना है। हम वो इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे। अभी थोड़ा ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि वो ठीक से विजिबल हो जाए दोनों इमेजेस। याद रखना दोस्तों, जहाँ पे वो पर्सन आदमी है उसके ऊपर कवर ना हो वो इमेज। अब हम इरेजर टूल्स लेंगे और जो पार्ट हमारे को रखना है इमेज में उसको छोड़ के बाकी का सब इरेज कर देंगे कुछ इस तरह। देखिए, जैसे हमें ये नदी का पार्ट रखना है तो बाकी का हम सब साफ कर देंगे। कुछ इस तरह साफ कर दिए हमने। अब इसकी ओपेसिटी हमने बढ़ा दी है। अब उसी तरह हम दूसरी इमेज भी लेंगे। ये हमें पानी का पूल जो है उसे लेना है, तो बाकी के जो आजू बाजू के जो एरिया है उसको इरेज कर देंगे हम। तो उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे यहाँ से, लेयर को सिलेक्ट करके इरेजर लेंगे हम। बाकी का अनवांटेड चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी वीडियो। और जो भाई हमारे वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं जो जिससे आप लोगों को नए नए नॉलेज मिले। और हम क्रोमा टून्स के कैरेक्टर भी बनाते हैं जिसे आप यूज़ करके अपने लिए एनिमेशन बना सकते हैं। तो अभी हम इस पानी के पुल को सेट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो एज को अच्छे से क्लीन कर देंगे इसके। ताकि ऐसा ना लगे कि वो अलग से रखा गया है। और लेफ्ट वाली इमेज को हम ओपेसिटी बढ़ा देंगे थोड़ी सी, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज रेडी हो गई है। अभी हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। एक एक इमेज हम PNG में सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ये पहली इमेज को हम सेव करेंगे PNG में। सेम अब दूसरी वाली सेव करेंगे PNG में, सेम साइज में सेव करना, ठीक है। अब हम काई मास्टर में फिर से आ गए हैं। ये हमारा वीडियो है तो हम मीडिया में जो इमेजेस हमने सेव किए थे उसको यहाँ पे ला देती है। इसको हम फुल कर देंगे स्क्रीन में
स्प्लिट स्क्रीन में जाके उसको फुल कर देंगे और इसको वीडियो के लेंथ में ला देंगे कुछ इस तरह से। सेम दूसरी इमेज भी हम ओपन करेंगे यहाँ पर, इसको भी फुल विड्थ में कर देंगे और इसकी लेंथ बढ़ा देंगे वीडियो के हिसाब से। अभी हम वीडियो का फिल्टर चेंज कर देंगे ताकि वो मैच हो जाए उस इमेज से। तो आप इस तरह अपने वीडियो में ऐसे VFX इफेक्ट डाल सकती है, देखिए कितनी बेहतर लग रही है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो काइन मास्टर पे, इसके अंदर आप अपनी कोई भी सिंपल वीडियो को अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल बटन को दबा दे और बगल में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आप लोगों को फौरन मिल जाए। तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जब तक गुड बाय।